Assalamualaikum, welcome to my channel Clydknits. हमारी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो ऊन हमारी ख़त्म हो जाती है और दूसरी ऊन मिलाते हैं आपके काम के बीच में बुनाई के, वो आप वेविन कैसे करें। और ये स्टॉकनेट स्टिच है, गार्टर स्टिच पे जब हमने वेविन किया था उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप देख सकते हैं। अब आज हम देखेंगे कि हम मिडिल में ऊन कैसे वेविन करते हैं स्टॉकनेट स्टिच पे। और कोई भी आपका काम हो, ब्लैंकेट हो और शॉल हो, या फॉर एग्जांपल स्वेटर हो, कोई भी चीज़ हो, बूटीज़ हो, किसी पे भी अगर आप वेविन कर रहे हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक धागा ले लेना है, क्योंकि हम जब मिलाते हैं धागा तो दो धागे हमारे पास बचते हैं। वेविन हमेशा आपने बैक साइड से करना है, पीछे की तरफ से। गार्टर स्टिच पे मैंने आपको जिस तरह वेविन बताया हुआ है ये भी उसी तरह है, बट जैसा कि गार्टर स्टिच में ज़्यादा स्पेस होता है, इनमें स्टॉकिनेट में इतना स्पेस नहीं होता बैक साइड से, बट रोज़ आपको वैसे ही मिली हुई होती हैं सिलाइयाँ। तो हमने यहाँ पे आप धागा डाल लिया है एक, ठीक है। अब इस धागे से हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हमारा धागा यहीं से आ रहा है तो खुल सकता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमने सुई डाल लेनी है और इधर नहीं जाना, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर हमने घुमाना है धागा। ये जो नीचे वाला स्टिच है हमारा घर, उसके अंदर आपने सुई डाल लेनी है और धागे को खींच लेना है। ज़्यादा ज़ोर से ना खींचिएगा। फिर आपने क्या करना है कि इसमें नहीं डालना, क्योंकि इसके ऊपर हमने घुमाना है। आपने इसके साथ वाला जो घर है नीचे की तरफ, आपने उसमें सिलाई सुई डाल लेनी है और यहीं वापस जाना है जहाँ से हम आए थे, इसी घर में, क्योंकि अब हम इसके ऊपर घुमाएंगे। वापस हमने हमेशा उसी घर में जाना है जहाँ से हम नीचे आए थे या ऊपर। अब हमने इसके ऊपर धागा फिरा के इस घर को छोड़ के इस घर में सुई डालनी है और वहाँ वापस जाना है उसी धागे घर से जहाँ से हम वापस आए थे। ये देखें इस तरह, ज़्यादा ज़ोर से ना खींचिएगा। आप देख रहे हैं कि धागा कैसे डिसअपियर हो रहा है। मैंने पहले भी जैसे बताया हुआ है कि कुछ ख्वातीन जो हैं वो सिर्फ नॉट लगा देती हैं ज्वाइन करते वक्त, और जो है यहाँ पे बहुत बुरा जो उभरा हुआ नॉट होता है वो बहुत बुरा लगता है। तो ये जो टेक्निक होती है वेविन की, वो नीटनेस के लिए होती है, आपको इससे बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि स्वेटर में तो अंदर वो छुप जाते हैं, बुरे तो फिर भी लगते हैं पर छुप जाते हैं, बट आप कोई शॉल बना रहे हैं, ब्लैंकेट बना रहे हैं, तो उस पर नहीं छुप सकते, बहुत बुरे लगते हैं। तो वेविन बहुत ही अहम टेक्निक है, बहुत ज़्यादा। इसी तरह से आप काफ़ी धागा जो है वेविन कर लें, क्योंकि ताकि खुले ना। अब आप देख सकते हैं, इसको खींच लें, आप देख सकते हैं कि इस पर डिसअपियर हो गया है। अब इसे आप काट लें, थोड़ा सा धागा जो बचा है। अब इसी तरह से अपने इस तरह ये वाला धागा भी वेविन कर लेना है और काट लेना है। तो ये है हमारी स्टॉकनेट स्टिच पे वेविन की टेक्निक। और दूसरा कि बीच में जब आपका धागा ख़त्म हो जाए तो आप वेविन कैसे कर सकते हैं। आपको और कोई चीज़ समझनी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वेविन नहीं समझ आया हो तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी अच्छे से समझा दूँ। ये आप देख सकते हैं कि हम मैंने वेविन किया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल कुछ फील नहीं हो रहा इस तरफ से भी, और यहाँ से भी आप देख लें कुछ फील नहीं हो रहा। तो यही फ़ायदा होता है वेविन का। वेविन की टेक्निक बहुत अहम है, इसे ज़रूर सीखें। मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।